पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के लिए मतदान चल रहा है और ऐसे में हिंसा की खबरें आ रही हैं। एक और ताजा मामला बंगाल के 24 परगना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर जानलेवा हमला किया गया। बीजेपी कार्यकर्ता का आरोप है कि उनके घर पर डीएमसी के लोगों ने बम और गोलियों से हमला किया। बीजेपी नेता का दावा है कि कुछ लोग आए और उन्होंने घर में पहले तो बम मारे और फिर गोलियां चलाते हुए फरार हो गए। बीजेपी नेता आरोप लगाते हुए कहते हैं कि हमले के दौरान छोटे बच्चे भी घर में मौजूद थे और बम फटने से पूरे घर में धुआं धुआं हो गया। बीजेपी नेता ने घटना के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर ली है और आगे की जांच शुरू कर दी है। आपको ये भी बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान ही कई बीजेपी नेताओं पर जानलेवा हमले हो चुके हैं। बीजेपी का दावा यह भी है कि चुनावों के दौरान उनके 120 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की दर्दनाक हत्या कर दी गई है। আতঙ্কে থাকবো না, হঠাৎ এরকম বাচ্চা নিয়ে শুয়ে রয়েছি, তিনটে চারটে আওয়াজ পেলাম, পাওয়ার পর বাচ্চার কানে হাত দিয়ে চাপা দিয়ে আমি শুয়ে রয়েছি, হঠাৎ দেখছি আমার দেশ দুনিয়া কি খবরো কে লিয়ে এএনবি নিউজ কো সাবস্ক্রাইব করে আর বেল আইকন দবায়।